संभल के, संभल के माँ। शोरन बेटा। जी पिताजी। ऐसा लग रहा है कि राता भी बहुत दूर है। हाँ बेटा, हम बहुत थक गए हैं बेटा। कोई बात नहीं माँ, हम लोग कुछ देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं। ठीक है बेटा। बैठो बैठो माँ, संभल के। श्रवण बेटा। जी माँ। बेटा बहुत बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे हम दोनों को। हाँ, हाँ, लो। बस बस बेटा। श्रवण बेटा, हम भगवान को ढूंढने तो निकले हैं, लेकिन बेटा भगवान इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते, नहीं होते बेटा। हाँ बेटा, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भाग्य का खेल निराला है श्रवण बेटा, पता नहीं हमें साईं बाबा के दर्शन होंगे या नहीं। माँ, साईं बाबा, साईं बाबा। कहाँ? साईं बाबा। कहाँ बेटा? वो देखिए, वो रे साईं बाबा। हाँ बेटा। साईं बाबा, साईं बाबा, मैं श्रवण। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। सबका प्यारा भव सागर से सबको साई तारण हारा, साई बाबा, साई बाबा। कहाँ साई बाबा? जय साई बाबा। बच्चे, तुम किसे पुकार रहे थे, साई बाबा को या दोस्त को? लेकिन ना मैं साई बाबा हूं और ना ही तुम्हारा दोस्त। बाबा, बाबा श्रवण को माफ कर दो बाबा। श्रवण, श्रवण, श्रवण बेटा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया बेटे, रो क्यों रहे हो तुम? बोलो। जब इंसान जो ढूंढता है उसे नहीं मिलता तो अक्सर निराश हो जाता है, वही निराशा उसकी आंखों में आंसू बनकर झलकती है। बिल्कुल साईं बाबा की तरह बोल रहे हैं आप। साईं बाबा? हाँ, शिरडी के भगवान। भगवान केवल शिरडी के कैसे हो सकते हैं माँ जी, वो तो पूरी दुनिया के होते हैं। लेकिन लेकिन उनका कोई निवास स्थान तो होता है ना? हाँ, साईं बाबा का निवास स्थान शिरडी है। हाँ। फिर आप गलत दिशा में आ गए हैं, शिरडी तो पीछे रह गई। साईं बाबा शिरडी में नहीं है, वो राहता चले गए हैं। बच्चे, तुम साईं बाबा को ढूंढने राहता जा रहे हो। ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं बच्चे, परंतु इसके लिए दिल में श्रद्धा, आस्था, विश्वास का होना जरूरी है। मालिक से मिलने की आस होगी तो ही मालिक के दर्शन की प्यास बुझती है। तुम अपनी मंजिल से भटक गए हो बच्चे। मतलब? राहता उस तरफ रहा, तुम्हें दक्षिण की ओर जाना था और तुम उत्तर की ओर चल पड़े। अब मुड़कर उस दिशा में जाओ, तुम्हें राहता गांव मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले। मालिक से मेरी यही दुआ है, मालिक तुम्हारा भला करे। श्रवण, श्रवण।
में बहुत समय बर्बाद हो गया माँ। अब हम कुछ खा कर ही राहत के लिए निकलेंगे। हाँ बेटा। हाँ मेरे बच्चे, निराश मत हो तू। जरा सोच, अगर ये फकीर बाबा नहीं मिलते तो हमारा क्या होता। हाँ बेटा, हम कभी राहत नहीं पहुँच सकते थे। हाँ बेटा। हाँ। हाँ।